हेलो एवरीवन, दिस इज मुनमुन शर्मा। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग पीएच पैमाना के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि सूचक से भी हम लोग अम्ल भस्म या लवण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावे दो और पैमाना है, पीएच स्केल और पीओएच स्केल, जिसके द्वारा हम लोग किसी विलयन के अम्लीय, भाष्मिक या लवणीय यानी उदासीन होने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 10th क्लास में केवल पीएच स्केल के बारे में ही पढ़ना है, पीओएच स्केल के बारे में नहीं पढ़ना है। तो पीओएच स्केल के बारे में केवल हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि उदाहरण में और पाठ के अंत में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पीओएच स्केल पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इसलिए हम लोग पीओएच स्केल से संबंधित जितना सूत्र है, हम लोग उस सूत्र को लिख करके याद कर लेंगे, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए पीएच स्केल के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो पीएच स्केल के बारे में हम कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। स्टेटमेंट लिखे हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सन 1909 ईस्वी में किसी भी विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन घुला हुआ है, कितना मिला हुआ है, उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम फ्रेंच लिखे हैं। तो फ्रेंच वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने एक पैमाना को हम लोग स्केल कहते हैं, एक पैमाना विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। एक बात ध्यान रखना है, पीएच लिखते समय हम लोग पी को थोड़ा सा छोटा और नीचे लिखते हैं, और एच को पी से थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तो उसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। उसके आगे पीएच में पी का मतलब पोटेंज होता है, पी का मतलब पोटेंज होता है, जिसका अर्थ पावर, पावर को हम लोग शक्ति या समर्थ कहते हैं, स्ट्रेंथ भी अंग्रेजी में कह सकते हैं, होता है। तथा एच का अर्थ हाइड्रोजन होता है। तो बार बार एग्जाम में पूछता है कि पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है, तो याद कर लीजिए आप लोग, पी का मतलब पोटेंज होता है और उसका मीनिंग जो होता है पावर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तथा एच का अर्थ सभी लोग जानते हैं, एच को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। अर्थात पीएच के बारे में हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की शक्ति या सामर्थ्य, जिसको हम लोग कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन अंग्रेजी में। तो एसपीएल सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल के बारे में अपना एक कथन दिया। स्केल जब उन्होंने विकसित किया तो एक कथन दिया, उनका कथन है कि किसी विलयन का पीएच मान विलयन में घुले हुए हाइड्रोजन आयन के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक लघुगणक नया टर्म आया है, जिसको हम लोग लॉगरिथम कहते हैं। तो लघुगणक के बारे में आप प्लस टू में विस्तार से पढ़िएगा, शायद अभी सिलेबस है प्लस टू में पढ़ने के लिए।
तो वहां पे आप विस्तार से अध्ययन कीजिएगा, यहाँ पे चूंकि आप पढ़ना नहीं है तो इस स्टेटमेंट को हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं यानी जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि किसी बिलियन का पीएच मान, यानी क्या लिखेंगे, पीएच मान बिलियन में घुले हुए हाइड्रोजन आयन के, तो हाइड्रोजन आयन को हम लोग एच प्लस लिखते हैं, लघुगणक तो लॉग लगा दिए, के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यानी हम लोग पीएच स्केल का फॉर्मूला फाइंड आउट किए, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि एक और स्केल होता है जिसको पीओएच स्केल कहते हैं, लेकिन उसके बारे में टेंथ में नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है तो इसलिए उसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो और भी हम लोग फॉर्मूला लिखने का प्रयास करते हैं, जैसा इसको हम लोग एक नंबर फॉर्मूला सपोज कर लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है। यानी इसको हम लोग लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी बिलियन में उसके पीएच मान और उसके पीओएच मान का जोगफल 14 के बराबर होता है। तीसरा हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, यह सब याद कर लीजिए, इंटर में जाइएगा तो विस्तार से पढ़ना है, अगर अच्छे केमिस्ट्री शिक्षक के पास पढ़िएगा तो वह आपको विस्तार से बताएंगे, इज इक्वल टू 10^-14। यानी किसी भी बिलियन में उसके हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन का गुणनफल 10^-14 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग तीन सूत्र लिखे, तीन ही सूत्र मेन है, इन सूत्रों की मदद से हम लोग और भी कुछ सूत्र मालूम कर सकते हैं, आप अपने से भी निकाल सकते हैं। इमेजिन कीजिए यदि किसी प्रश्न में पीओएच वैल्यू दिया गया हो, अगर आपको पीएच वैल्यू ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र से फाइंड आउट कर सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू 14 पीओएच, इसी से निकाले हैं। पीएच को हम लोग इधर ही रोक लिया है और पीओएच को आरएचएस में सेंड कर दिए हैं, तो यह उसी सूत्र से निकाले हैं। उस सूत्र से एक और हम लोग निकाल सकते हैं, पीओएच इक्वल टू 14 पीएच। यानी अगर किसी भी बिलियन में उसका पीओएच मान निकालना हो तो 14 में से पीएच मान को घटा देंगे। उसी प्रकार से हम लोग 6 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू वन, तो हम लोग कह सकते हैं 10^-14 इज डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। 7 हम लोग लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10^-14 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे टॉपिक बनाएंगे कि किसी बिलियन की प्रकृति की हम लोग जांच कैसे करेंगे, कि बिलियन का प्रकृति अम्लीय है या भास्मिक है या उदासीन है। उदासीन को हम लोग लवणीय भी कह सकते हैं। बीच बीच में आप वीडियो को पूछ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग टॉपिक बनाते हैं बिलियन
प्रकृति की जांच कैसे हम लोग जांच करेंगे कि बिलियन अम्लीय प्रकृति का है या भास्मिक प्रकृति का है या लवणीय प्रकृति का है। तो हम लोग यहाँ पे दो आधार पर निर्णय करेंगे। पहला हम आधार लिख रहे हैं पीएच स्केल के आधार पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीएच स्केल के आधार पर, बार बार पूछता है बोर्ड में, इसलिए सभी लोग ध्यान से समझेंगे और याद कर लेंगे। यदि पीएच इज लेस देन 7, यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम हो तो विलियन अम्लीय होगा। 7 से कम होने पर विलियन एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट दो नंबर, यदि पीएच इज ग्रेटर देन 7, पीएच विलियन का पीएच मान अगर 7 से अधिक होता है तो विलियन भाषित, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बेसिक कहते हैं, बेसिक होगा। नेक्स्ट तीन नंबर, यदि पीएच इज इक्वल टू 7 तो विलियन उदासीन, न्यूट्रलाइज प्रकृति का होगा, उदासीन होगा। तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा हम लोग आधार लेते हैं पीओएच स्केल के आधार पर। पीओएच स्केल के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक उसका उल्टा होगा। यदि हम लोग बिलियन का पीओएच वैल्यू प्राप्त करेंगे, यदि यह 7 से अधिक होगा उसका उल्टा, तो इस कंडीशन में इसमें बिलियन जो होगा अम्लीय प्रकृति का होगा, बिलियन अम्लीय एसिडिक होगा। नेक्स्ट दूसरा, यदि ठीक उसका उल्टा पीओएच इज लेस देन 7, इसमें ग्रेटर देन 7 था तो विलियन भास्मिक, भास्मिक के जगह पर हम लोग क्षारकीय भी लिख सकते हैं या क्षारीय भी लिख सकते हैं। क्षारीय लिखेंगे तो उसका अंग्रेजी हम लोग अल्कली लिखेंगे। नेक्स्ट तीन नंबर, यह जो कंडीशन है दोनों स्केलों में बराबर होता है। किसी भी विलियन का यदि पीएच मान 7 के बराबर हो या पीओएच मान 7 के बराबर हो तो दोनों कंडीशन में विलियन का प्रकृति जो होता है वह उदासीन होता है। तो विलियन उदासीन न्यूट्रलाइज होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।